मिसाल साहब भी हैं विपिन जी, चूंकि आप फिजिकल मार्केट से काफी लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं और जिस तरीके का बदलाव हमने फिजिकल मार्केट के अंदर में ट्रेड के अंदर देखा है और उससे कहीं ज्यादा तेजी के साथ हमने फ्यूचर मार्केट के अंदर बदलाव होते हुए देखे हैं, उन बदलावों को देखते हुए जो सेक्टर एग्रीकल्चर के अंदर में ये जो इंडेक्स ट्रेडिंग है, इस इंडेक्स ट्रेडिंग को आप किस नजर से देखते हैं और पर्टिकुलरली आपके ग्वार के साथ ही रिलेट करते हैं और ग्वार के अंदर यहाँ पर आपके पास में एग्रीकल्चर इंडेक्स लॉन्च हुआ है तो इसको किस नजर से देखा जाए और ये कितना बेहतरीन आप समझते हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए आपका क्या मैसेज है? गुड इवनिंग। तो आपने जैसे बताया पैनल में मोस्टली सब टेक्निकल है, मैं इतना टेक्निकल नहीं हूँ, मैं ग्राउंड टू अर्थ वाला बंदा हूँ जी। मैं टेक्निकल की बजाय लेमन की बात करना चाहता हूँ, आपको क्या डिटेल चल रही है भाई, वही सुनना भी चाहते हैं सर। एनसीडेक्स ने जैसे लॉन्च किया एग्री इंडेक्स या क्वार जो भी लॉन्च करती है वो ग्राउंड वर्क में कोई भी नॉलेज शेयर नहीं कर पाते हैं। अगर हम बाजू हरियाणा में जो भी डिस्ट्रिक्ट सेंटर है या जो भी कहीं पे भी एनसीडेक्स का कोई भी नॉलेज पार्टनर नहीं है जो बता पाए भी लेमन होता क्या एग्री इंडेक्स होता क्या। अब हमारे पास फोन आते हैं भी हमें ग्वार लेना है, कम लेना है, जो भी लेना है प्रोडक्ट है, हम कहते हैं उसको ग्वार दम पर छोड़ एग्री इंडेक्स को ले ले तू, इधर तो तेजी खेलनी है एग्री इंडेक्स ले, ग्वार में तेजी खेलनी है ग्वार से ले ले, लेकिन उनको पता ही नहीं ग्वार होता क्या। सबसे बड़ी जगह केड़े साहब ने कही, आप भी कह रहे हो लैक ऑफ नॉलेज है, नॉलेज शेयर कहीं भी नहीं होती। पेट्रोल में चलो जो भी आप बड़े बड़े ब्रोकर बैठे हैं और लेमन बैठे हैं वो सबको आइडिया है कैसे ट्रेड करना ऑप्शन में, फिजिकल मार्केट में, एनसीडेक्स में, बाजार व्यापार में, लेमन को इसकी नॉलेज नहीं होती, वो देसी आदमी है, उसको तो माल लेना बेचना है। अब आपने कहा अगर एग्री इंडेक्स लॉन्च किया, अब कहीं पर भी आपका हरियाणा में सेमिनार हुआ हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी आपने एनसीडेक्स में किया तो मैं जिम्मेवार हूँ, कुछ किसने किया ग्वार की नॉलेज जहाँ तक ग्वार के बारे में है, इंडस्ट्री की तरफ से कोई प्रेजेंटेटिव नहीं जाता है वहाँ पे बताने के लिए क्या करना चाहिए, ना इंडस्ट्री की वैल्यू ली जाती है, कोई इंडस्ट्री का फीडबैक नहीं लिया जाता है। ठीक है मेट्रोज लेवल पे आप ऑफिस में एनसीडेक्स कर देते हैं, इंडस्ट्री अगर की फीडबैक नहीं लेते भी कैसे काम करना चाहिए। अब मार्जिन की बात आप कह रहे हो, ग्वार या बम में हम ट्रेड करते हैं उसमें 30% मार्जिन है, अब ग्वार ट्रेड करते तो उसमें 18% मार्जिन तो लग रहा है, कम कौन सा मार्जिन, मार्जिन तो इससे कम नहीं है, 30% आप मार्जिन दे के व्यापार कर रहे हैं ग्वार में या ग्वार बम के अंदर, ग्वार में अगर 18% मार्जिन है तो मार्जिन कम कहा हुआ। दूसरा इसकी एक्सपायरी होती है 30 तारीख को, जबकि ग्वार या ग्वार गन की एक्सपायरी होती है 30 तारीख को, तो उसमें मिसमैच होता है डेट्स का। लेकिन सबसे बड़ी बात है लैक ऑफ नॉलेज, लेकिन ये फायदा है अगर इसमें लिक्विडिटी बनती है और नॉलेज आती है तो पार्टिसिपेट लोग करेंगे, तो लोगों का इंटरेस्ट है। अगर आप देखो पिछले 2 साल से जब लॉकडाउन लगा है लोगों ने म्यूचुअल फंड्स में बहुत पैसा डाला है, म्यूचुअल फंड में कमोडिटी मार्केट में, उनको प्लेटफॉर्म चाहिए जो फेयर प्लेटफॉर्म हो इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन उनको नॉलेज देते हैं मतलब कोई ग्राउंड लेवल पे, अगर ऐसे वेबिनार कुछ हो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। हाँ कदम तो उठाएगा एनसीडेक्स, मेन चैनल एनसीडेक्स ही है, एनसीडेक्स को क्लाइंट वाइज या ब्रोकर वाइज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इन्फॉर्मेशन देना बहुत जरूरी है, जब पार्टिसिपेट बन सकता है, अदरवाइज पब्लिक को पता ही नहीं है कहाँ इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड में क्यों करते हैं तो शेयर की नॉलेज नहीं है। ठीक है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, वैसे ही एग्री इंडेक्स है, एग्री इंडेक्स में अगर ब्रोकर वाइज इन्वेस्टमेंट शेयर की जाए नॉलेज तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। फिजिकल में अगर मंडियों में बात करो, आप मंडियों में बहुत पता लगाती है, पता बहुत आरती माल रखते हैं, चना रखते हैं, गुआ रखते हैं, बहुत मार्केट भरी पड़ी है, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म में क्यों नहीं आते, इनको नॉलेज नहीं है, जबकि ये सेफ है। आप फिजिकल में लगा रहे हो, फिजिकल पैसा देने आप स्टोरेज करते हैं, आपके क्वालिटी के खर्चे आप एनसीडेक्स पे ले रहे हो, आपने लिया बेच दिया कोई दिक्कत नहीं है, मार्जिन आपको 30% देना सिर्फ आप ले सकते, लेकिन इनको नॉलेज नहीं है कैसे काम करना है, कैसे अकाउंट खोलने,
जितना भी आप उसको प्लीज एक नॉलेज पार्टनर बना के अपने नॉलेज पार्टनर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम किया जाए ताकि पब्लिक को पता चले भी कैसे तो ट्रेड करना है। ओवर टू यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन जी, आपने एक मुद्दा उठाया है लैक ऑफ नॉलेज का, और मुझे लगता है कि इनिशिएटिव एनसीडीएक्स ने उठाया ही इसी वजह से है क्योंकि कहीं ना कहीं एनसीडीएक्स ने भी ये ऑब्जर्व किया होगा कि लैक ऑफ नॉलेज है और उस लैक ऑफ नॉलेज जो गैप आ रहा है और नॉलेज के बीच के अंदर और ट्रेड के बीच के अंदर उस गैप को फिल किया जाए, और इसी वजह से इस तरीके के वेबिनार्स जो है वो कंडक्ट करने की एनसीडीएक्स कोशिश भी कर रहा है क्योंकि पेंडेमिक है, फिजिकली कहीं मुलाकात नहीं हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि जल्द ही फिजिकली भी एनसीडीएक्स कुछ ना कुछ इस तरीके की इनिशिएटिव करेगी कि अब सब कुछ हो रहा है, उस पेंडेमिक से हम बाहर निकल रहे हैं, और चूंकि स्कूल भी देश के अंदर खुल रहे हैं तो स्कूल खुलने का मतलब है कि अब सब कुछ ओपन हो रहा है, तो इस तरीके की गेट टूगेदर सब करनी भी चाहिए ताकि जिससे एक कॉन्फिडेंस जो है वो मार्केट के अंदर दोबारा लौट करके भी आ सके।